फ्रेंड्स, रुशाली कोसंबिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। हमारी पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। हैप्पी दशहरा सबको। ये देखिए, दशहरा का फेमस स्नैक्स इसको बोलते हैं, जलेबी, फाफड़ा और खांडवी, ढोकला। ये खास दशहरा के दिन खाया जाता है। हमारी मलिश्का एज यूजुअल गेम खेल रही है और पूजा बहुत अच्छे से हुई। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे सोसाइटी में, सत्यनारायण जी भगवान जी की पूजा है। सभी मेंबर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा के लिए उपस्थित हुए हैं एकदम टाइम पे, तो अभी पूजा स्टार्ट होने वाली है। गणपति बाप्पा मोरिया, सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य को नारायण विष्णु के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यही है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से उनका सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इससे मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसीलिए जीवन में सत्यव्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, परंतु अपितृत्व दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधव के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोगों में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोती, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिससे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्टान्न के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनाया जाता है, जिसे सत्तू पंजीरी कहा जाता है और उसका भोग भी लगाते हैं। किसी जगह सूजी, घी और शक्कर मिलाकर उसमें सूखा मेवा डालकर उसका भी प्रसाद बनाया जाता है, वो भी सत्यनारायण भगवान को भोग लगाया जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण देव की पूजा अभी समाप्त होगी थोड़ी देर में, उसके बाद भगवान जी को भोग लगाएंगे हम, और उसके बाद सारे सब लोग हम लोग भी हमारा भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद डांस होगा, डांडिया होगा, गरबा होगा, कोई अपने अच्छे अच्छी तरीके से कोई अपना परफॉर्मेंस देंगे। हमें नवरात्रि के 9 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। हर एक जन ने बहुत ही एंजॉय किया। सोसाइटी का हर एक व्यक्ति नीचे आके अपना डांस, कोई अपना हुनर दिखा रहे थे। यहाँ पे भगवान को आग्रह करना है, इतना सारा है आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं, फिर से मतलब देवी का वो बड़ा है, लंबा है वो। ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। चार पद्धति हम सुन रहे हैं। नैवेद्यानि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, पूर्वोत्तरामोक्षालनं समर्पयामि,
हेलो फ्रेंड्स, हाय, हैप्पी दशहरा सबको। आज दशहरे का है दिन और हमने अच्छी तरह नीचे पूजा भी हमारे यहाँ पे हुई, सत्यनारायण की पूजा हुई। सत्यनारायण की कथा सुन के बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्नित हो गया। और हमारी मनीष का वैशाली हम लोग सब ने मिलकर प्रार्थना की है कि अपने इंडिया में जो भी आज प्रॉब्लम आ रहे हैं सब ये दशहरा से सब खत्म हो और नई शुरुआत हो। अच्छा, हमारी हमारे जितने भी भाई बहन बंधु सब दोस्त हमारे इंडियन से जितने भी है सब लोग तरक्की करें, हम इंडिया के साथ हम भी तरक्की करें, हमारे सब साथियों भी तरक्की सब खुश रहे। सबके लिए हमने प्रार्थना की है सत्यनारायण जी भगवान से कि हमें कोविड से जल्द मुक्ति मिले और सब अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सब अच्छा हो। कोविड चला गया हमारा, कोई बात नहीं, वी आर स्ट्रॉन्ग, इंडियंस आर स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई कोविड गया, डोंट वरी, बी स्ट्रॉन्ग। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। Thank you।